हेलो दोस्तों, मैं शंभू निराला, नॉलेज गेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि आज का जो वीडियो है वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अगर एक स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं और आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में ये बात करने जा रहा हूँ कि जब भी एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करता है तो उनका एक सपना होता है कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा से अच्छा जॉब करे, एक अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जाए, अच्छे से अच्छी सैलरी कमाए और अपना लाइफ सेटल करे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में उस वही बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अब आपको किसी बुक स्टोर या फिर किसी स्टेशनरी स्टोर पे जाकर ये पता नहीं करना होगा कि कहाँ वैकेंसी है, कहाँ क्या है। दोस्तों, अब अगर आप नेट का यूज़ करते हैं, आप अगर मोबाइल का यूज़ करते हैं, लैपटॉप का, कंप्यूटर में यूज़ करते हैं नेट, तो आपको दोस्तों एक ही स्थान पे सारे जॉब, आपके शहर में कितने वैकेंसी है, कितने सीट है, कहाँ वैकेंसी निकली है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितने सैलरीज है, वो दोस्तों अब आपको घर बैठे पता चल जाएगा। दोस्तों, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ भी पता कर हो जाएगा, लेकिन अब दोस्तों न्यूज़ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं और किसी स्टेशनरी दुकान पर जाने की भी ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, अब मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, इससे पहले अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो जो है वो है जॉब वैकेंसी के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में, ओनली गवर्नमेंट जॉब के बारे में। आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके देश में, यानी ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी जितनी भी वैकेंसी निकलती है वो दोस्तों आपको एक ही वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और दोस्तों, उस वेबसाइट का नाम मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उस वेबसाइट का नाम है www.sarkarirezult.com। अगर दोस्तों आप स्टूडेंट हैं तो दूसरे जगह मत जाइए, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है और आप अपने हिसाब से, आपके माइंड में तो पहले से सेट होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, SSC रेलवे में जाना चाहते हैं या फिर कहाँ जाते हैं, वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी वैकेंसी निकलती है वो सारा यहाँ पे स्टेटमेंट है। तो देखिए, चलते हैं उस वेबसाइट की ओर। तो दोस्तों, वेबसाइट का नाम है www.sarkarirezult.com। दोस्तों, सरकारी रिजल्ट पूरे लिखना है, .com हमेशा लिखिएगा, .com नहीं लिखिएगा तो अब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं www.sarkarirezult.com। यहाँ पे नोटिस में भी दिया गया है, डियर सरकारी रिजल्ट यूजर ऑलवेज टाइप .com, यानी कि दोस्तों आप जब भी सरकारी रिजल्ट खोजें तब डायरेक्ट सरकारी रिजल्ट ना खोजें, क्योंकि फर्जी आजकल बहुत आने लगा है, इसीलिए हमेशा .com में ही जाके खोजें। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा पेज ओपन हो गया है, इस पेज में बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखिए ज्वाइन अस फेसबुक सब कुछ लिखा हुआ है, SSC के लिए है। दोस्तों, इस सब में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, नीचे आ जाएं और नीचे दोस्तों जैसे ही आते हैं देखिए, जैसे रिजल्ट आ गया है, यहाँ पे एडमिट कार्ड है, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब है। दोस्तों, जो भी अपकमिंग जॉब है, जो अपकमिंग जो वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, इस लिस्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में आप देखिए इंडियन आर्मी के लिए है, TES का 38 ऑनलाइन फॉर्म के 2017 के लिए है। यहाँ पे देखिए SSC CGL के लिए भी है। यहाँ पे देखिए तरह तरह के जॉब जो है, झारखंड SSC के लिए भी है, RBI ऑफिसर के लिए है, देना बैंक PO के लिए है। यहाँ पे जो भी है सर, ये जो भी है दोस्तों वो जॉब क्या है जॉब, और इसमें इतना ही नहीं, यदि आप ढूंढना चाहते तो, और यहाँ पे देखिए लिखा है व्यू मोड, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा और व्यू कर सकते हैं। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक नया पेज खुल गया और यहाँ पे देखिए कितनी सारी वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ से यदि शुरुआत करेंगे, यदि गिनना शुरू करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, आपको मालूम है तो आप यहाँ पे वैकेंसी देखिए, सारा वैकेंसी देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे वैकेंसी निकली हुई है, जो भी वैकेंसी, यदि आप किसी भी जगह, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ मान लीजिए कि आप जो है यहाँ पे देखिए सिंडिकेट बैंक PO का है, यदि आप बैंक में जाना चाहते हैं, सिंडिकेट बैंक में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लास्ट डेट का अभी फॉर्म यहाँ पे ओपन करते हैं और देखते हैं इसका क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे ही ओपन करेंगे ये खुल गया, देखिए दोस्तों एक पेज खुल गया, यहाँ पे सिंडिकेट बैंक है,
उसका नोटिस देखिए, इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन बिंग इतना है 14/12/2016 तक है। देखिए लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म का है वो 28/12/2016 दोस्तों, इसका लास्ट डेट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये पहले का है, आप इसमें बहुत सारे देख सकते हैं। इसका फीस भी देखिए, जैसे कि जनरल एप्लीकेशन फी जो है, एप्लीकेशन फी 600 रुपया, SC/ST PH के लिए 100 रुपया है। इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे देखिए, मिनिमम एज 20 वर्ष है, मैक्सिमम 28 वर्ष है, जो भी यहाँ पे जितने भी है वो सारे यहाँ पे दिए जाते हैं। तो यदि आप ये, तो इसका डेट बीत चुका है दोस्तों, तो चलते हैं इस पे, दूसरी जगह देखते हैं, दूसरा फॉर्म देखते हैं, दूसरा एप्लीकेशन, दूसरा वैकेंसी चेक करते हैं। वैकेंसी देखिए दोस्तों बहुत SSC CGL में है, SSC CGL का है। अभी हाल ही फिलहाल में SSC MTS का एग्ज़ाम हुआ है। तो यहाँ पे देखिए देना बैंक का PO देखते हैं, बैंक में यदि अगर जाना चाहते तो यहाँ पे देखिए, और इसका रिक्वायरमेंट आप चेक कर सकते हैं क्या है, जैसे देना बैंक का यह सब है, और कितना चाहिए एप्लीकेशन यहाँ का जो है 17 तक है। देखिए 5वां महीना 9 तारीख 5वां महीना 2017, इसका भी लास्ट डेट बीत चुका है, लगभग आज 21 तारीख है। तो इस तरह से जाइएगा, बहुत मिल जाएगा आपको, अंदर में जाइएगा बहुत सारे मिल जाएगा, जो जिसका लास्ट डेट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारे का एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत का एग्ज़ाम हो रहा है और बहुत का एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसका बहुतों का एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म भी उन्हें भरा गया है। तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं, वैकेंसी सारे कुछ देख सकते हैं। एप्लीकेशन फी यहाँ पे देखिए 400 रुपया है, SC/ST के लिए 50 रुपया है मात्र। देखिए यहाँ पे रिक्वायर, यहाँ पे SC/ST का 55% मार्क चाहिए, और दूसरी अदर डिग्री, बैचलर डिग्री चाहिए दोस्तों। इसमें एज भी लिमिट है 20 वर्ष 29 वर्ष है मैक्सिमम। इस तरह से आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं कहाँ पे किस तरह का और कितना रिक्वायरमेंट है इसकी। तो दोस्तों आप चलते हैं आगे, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं और दूसरा वैकेंसी चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही वैकेंसी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट डेट जैसे पहले लिखे है, इंडियन आर्मी का TES का जो 38 ऑनलाइन फॉर्म के लिए जो है 2017, इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन जैसे करेंगे देखिए दोस्तों, आ गया सारे कुछ, आ गया इसका वेबसाइट आ गया है। यहाँ पे देखिए OBC 0, यहाँ पे फॉर्म फी, एप्लीकेशन फीस सिर्फ 0 है, एप्लीकेशन फी 0 है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का, जो लास्ट डेट है 14/6/2017 AM तक, 14/6। अभी दोस्तों क्या है, अभी आज पाँचवा ही महीना चल रहा है, छठे महीने तक का लास्ट डेट है इसका। इसका देखिए जो है एज का लिमिट 16 वर्ष का है, 16 वर्ष से है। यहाँ पे देखिए जो रिक्वायरमेंट है उसकी, वो 70% मिनिमम मार्क है, फिजिशियन ये सब होना चाहिए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा है सब। इस तरह से आप ये वैकेंसी चेक कर सकते हैं कहाँ रिजल्ट है, दूसरे जगह भी देख सकते हैं। दूसरे देखते हैं, दूसरे RCL CGL का 2017 लास्ट डेट में 5वां ये सब खत्म हो चुका है इसका लास्ट डेट। हरियाणा ऐसे हाई कोर्ट का है, ये सब का है, बहुत ही RBI ऑफिसर सब है उसके। देखिए 10+2 का भी, 10+2 की लेवल का भी जॉब्स इसमें है, सारे जॉब्स आप ढूंढ सकते हैं कहाँ कहाँ। आप वैकेंसी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं और सारा को आप चेक कर सकते हैं, चेक कीजिए, जॉब सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं तो देख सकते हैं आपकी कहाँ कहाँ है। देखिए BSNL जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर में जो इसका फॉर्म होगा उसके लिए भी है, जिस तरह से बहुत सारे हैं, आप देखते देखते थक जाइएगा। बहुत सारे वैकेंसी निकला है, जॉब जितना खोज आपके शहर में अब जॉब मिल सकता है, आप यहाँ से देख सकते हैं और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे भी जैसे देखिए, यहाँ इसको ओपन करते हैं सब कुछ, यहाँ पे नीचे हर चीज़ दिया है। अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा। जो हमें इस रिक्वायर मांगेगा वो दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा या फिर जो भी मार्कशीट मांगेगा, पुराने वाले जो भी नए वाले, वो जैसे ही इसको ओपन करेंगे ना तो आप सारे फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन भर सकते हैं। और आप ऑनलाइन नहीं फॉर्म भी भरते हैं तो दूसरे साइबर कैफे में जाके, किसी दूसरे कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाके आप वहाँ से फॉर्म अपना फिलअप करवा सकते हैं दोस्तों। इस तरह से है। और अगर आपने फॉर्म, दूसरी बात बताता हूँ, अगर आपने फॉर्म भर दिया है कहीं पे, आपने फॉर्म भर के जो फॉर्म भर दिया है तो आप अपना एडमिट कार्ड चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप एडमिट कार्ड देखिए, यहाँ पे एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो भी फॉर्म है उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। देखिए SSC MTS का एडमिट कार्ड, यदि आप फॉर्म भर चुके हैं और आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, क्या होता है जनरल रूप से कि कल एग्ज़ाम होता है और आज एडमिट कार्ड आता है, कई स्टूडेंट तो इसी वजह से एग्ज़ाम छोड़ देता है जनरल कि एडमिट कार्ड नहीं आया। नहीं दोस्तों, आप उसे भूल में मत रहिए, आप अपने नेट पे चेक करिए, ऑनलाइन फॉर्म हो चुका है, चेक कर सकते कहीं भी कि आपका एडमिट कार्ड आया कि नहीं। जैसे कि मेरा दोस्त एक है उसका SSC MTS में फॉर्म भरा था, उसका एडमिट कार्ड देखते हैं यहाँ पे देखते हैं। यही से जब आप एडमिट कार्ड चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओपन करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे नया पेज खुल जाएगा और देखिए यहाँ पे सारे रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ कितना है, बिहार में कितना है, NCR SR में कितना है। तो दोस्तों मेरा दोस्त जो एक था
वो इसमें फॉर्म भरा था, चेक करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कि एडमिट कार्ड उसका आया कि नहीं। उसमें देखिए दोस्तों, उन्होंने वहाँ से फॉर्म भरा था, यहाँ पर देखिए WR जो है वेस्टर्न ER है, स्टेट साउथ का है, और उसने CR से फॉर्म भरा था, डोनर CR एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे उसका एडमिट कार्ड हमारे पास है, CR पटना से भरा था उसने, इसको यहाँ पे ओपन कर दिया। जैसे ओपन करेंगे एक नई पेज खुल जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सिलेक्शन सिटी डालेंगे, और इसका जो है उसमें देखेंगे तो उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। देखिए यहाँ से एडमिट कार्ड, चलिए एडमिट कार्ड चेक कर लेते हैं एडमिट कार्ड आया कि नहीं। तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, रजिस्ट्रेशन ID, जैसे कि इसका रजिस्ट्रेशन ID है 6300064996888। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और डेट ऑफ बर्थ मांगता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ इसका जो है 1594 है। तो यहाँ पे मारते हैं 1 तारीख 5वां महीना मई होगा और 1994 जाते हैं यहाँ पे 1994 आ गए। सेलेक्ट सिटी, आप किस सिटी से भरे हैं CR में, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे दोस्त जो भरा है CR पटना से भरा है, तो यहाँ पे CR पटना, यहाँ पे पटना देते हैं, पटना 3206 आ गया। और यहाँ का वेरीफाई हुमन जो है यहाँ पे, जैसे कि 9+2 कितना होता है, 11 होता है, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्च लिखा है, इसको सर्च कर देंगे। जैसे सर्च करेंगे देखिए दोस्तों, इसका एडमिट कार्ड आ गया है, देखिए है नेम आ गया है सूर्यकांत कुमार, फादर का नाम आ गया है, एड्रेस इसका भोजपुर है, रजिस्ट्रेशन नंबर इसका ये रहा, रोल नंबर इसका ये रहा। आप रोल नंबर दे दिए, आप लिख सकते हैं अपना रोल नंबर, इसी तरह से अपना अथी डाल के, यदि आप इसमें MTS में फॉर्म भरे हैं तो रोल नंबर देख के अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम देखिए, 11/6/2017 को इसका एग्ज़ाम होगा, वो भी इवनिंग शिफ्ट में होगा। कई दोस्तों का तो पता होता है कि मेरा 10 तारीख एग्ज़ाम है, पता नहीं, और 10 तारीख एग्ज़ाम है और शाम में चला गया, सुबह में चला गया, एग्ज़ाम शाम में होता है, या फिर शाम में एग्ज़ाम है, नहीं 10 बजे से एग्ज़ाम है, पता चला कि बस लेट पहुंचा है, इसीलिए यहाँ पे अब शिफ्ट भी दिया हुआ है, कितने बजे से कितने, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इसका होगा। और इसका जो सिटी ऑफ एग्ज़ाम का है वो देखिए वाराणसी में इसका एग्ज़ाम होगा। इस तरह से एडमिट करके या तो इसको आप यहाँ पर प्रिंट आउट करवा सकते हैं, या फिर इसको कॉपी कर सकते हैं, अपने मोबाइल में रख सकते हैं, और इस एडमिट कार्ड से भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे तो अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए रिजल्ट है, यदि आप कहीं फॉर्म भरे हैं SBI में, यदि फॉर्म है, यहाँ पे देखिए SBI पर में एग्ज़ाम, अगर रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, आप फॉर्म भर चुके हैं, एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है और पता चल, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ओपन करेंगे ये सब सिस्टम खुल जाएगा, और इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड ये है, एग्ज़ाम का रिजल्ट चेक करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर डाउनलोड फॉर एग्ज़ाम, यहाँ पे क्लिक करेंगे आ जाएगा, अपना रोल नंबर डालिए, जो भी डालिए जो है आपके पास, खास करके मेरे पास नहीं है अभी, यहाँ पे सब डालेंगे, और यहाँ पे जैसे सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट शो कर देगा। इस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं, और जॉब खोज सकते हैं। जॉब में बहुत सारे हैं, यहाँ पे देखिए व्यू मोड करके लिखा हुआ है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा ना कि इतना ही में चेक कर लिए और अंदर गए ही नहीं, इसलिए व्यू मोड कर लीजिए और सारा चीज़ चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आप अपना वेरीफाई, अपना सर्टिफिकेट को वेरीफिकेशन करना चाहते थे यहाँ से कर सकते हैं, एडमिशन कहीं पर करना चाहते थे यहाँ से भी, देखिए सारा ऑनलाइन है, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है सब ने अपना अपना इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, सिलेबस भी चेक कर सकते हैं, तो बहुत सारे रिलेटेड यानी कि स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, तो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।